बिग बॉस के तीसरे हफ्ते में एविक्टेड कंटेस्टेंट अरविंद हमारे साथ है। अरविंद, वेलकम टू टेलीब्रेन। थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरह से वेलकम किया, मुझे सही में लग रहा है, मैं सही में बाहर हूँ। ओके, काफ़ी आपसे एक्सपेक्टेशंस थी कि काफ़ी धमाल होने वाला है, गाने सुनने मिलेंगे, काफ़ी नवरात्रि का रंग दिखेगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया अरविंद। बेसिकली सबसे ज़्यादा तो ये होता है, नवरात्रि का रंग तो लोग देखते रहते हैं बाहर, यहाँ पर बिग बॉस जो है वो पूरा अलग फॉर्मेट है, तो ऑफकोर्स गाने तो हम लोग काफ़ी गाते थे, पर होता ये है और लोग जो देखना चाहते हैं शायद वो चीज़ या फिर वो जो था वो शायद मेरे नेचर में कह सकता हूँ कि नहीं है, या फिर एक उनके साथ अगर एक जने को जानने के बाद, लोगों को जानने के बाद शायद कह सकते हैं कि अलग अलग वो कंडीशन में शायद आया नहीं था, या फिर एक उम्र और ये एक्सपीरियंस की वजह से उसमें ठहराव भी रहता है हमारी कोई भी एक्सपीरियंस के अंदर, हम लोग कोई भी चीज़ को बिना सोचे हम लोग रिएक्ट नहीं करते, तो वो शायद अगर मैं यहाँ से अगर मैं 15 साल पहले अगर होता तो शायद कुछ और रहता, बट आज के अरविंद के अंदर तो ये कह सकता हूँ कि इतना जल्दी कोई रिएक्शंस मैं देता नहीं हूँ, मेरे नेचर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपने सबको बड़ा परेशान किया खराटों से अरविंद। ये परेशान तो पर बात सही है कि जो हमारे हाथ में भी नहीं था चीज़ तो, और सबने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया कि भाई ये जो है वो तो है, यहाँ से आप अकेले नहीं करते, हमारे यहाँ पे 4 लोग हैं जो करते हैं, तो आप बिंदास सो जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, जो थके होंगे वो सो जाएंगे, जो नहीं थके होंगे वो भले जागते रहे, 2 दिन के बाद उनको भी आदत हो जाएगी। ठीक है, पर आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप किया गया आपके खराटों? फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी मैं बाहर आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, इतना मुझे पता नहीं होता था ये सब चीज़ों का, क्योंकि हम लोग जब अंदर होते हैं तब हमें आउटसाइड वर्ल्ड से, हम लोग वो 4 दीवारों के बाहर हम लोग नहीं सोच सकते थे, हमारे पास सोचने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती थी, हमारे पास समय भी बहुत होता था, तो बाहर क्या होता था वो सोचने का वो सोच ही नहीं सकते थे हम लोग। वहाँ पर बिग बॉस की एक आवाज़ होती थी, सलमान भाई को हम लोग एवरी सैटरडे देखते थे, और उसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं थी, जो हमारे टास्क आते थे उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते थे, तो बाहर क्या चल रहा वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता था बिग बॉस हाउस के अंदर। ओके, कितनी दिक्कतें हुई बिग बॉस हाउस में आपको, पानी की कमी, खाने की कमी, ऐसा सुनने में तो आ रहा था काफ़ी लिमिटेशंस है वहाँ। आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकाल के अगर आपको कहीं पे रख दिया जाए जहाँ पर आपके पास लिमिटेड आवर्स है सोने के लिए, दिन में आप कभी भी सो नहीं सकते, फिर भी आपके पास समय इतना होता है कि आप सोना पसंद करोगे कि भाई आप सो जाओ ऐसा आपको लगेगा, खाना कि जबकि आपकी भूख लगी है बट आपको खुद बनाना पड़ेगा या फिर सब लोग साथ में बनाते तब आपको खाना पड़ेगा, माने आपको बैठे भी रहना था, एप्पल से काम चला लेना पड़ता था, तो घर पे होते तो सारी की सारी चीज़ हमारे सामने होती है, हमारे घर पे हमें परोसा जाता है, बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं थी तो दिक्कत तो रहती है, और ये कंफर्ट जोन का काम है ही नहीं, ये कंफर्ट रह के ये शो नहीं कर सकते, दिस इज़ द रियल, ये पूरे अपने आप को अपने अंदर से निचोड़ के अगर कहीं अलग जगह पे रखा है वहाँ पर आपके पास सुबह में गर्म पानी नहीं है, आपको नाश्ते में कोई ब्रेड बटर टोस्ट जैम नहीं मिलने वाला है, आपको चाय रेडी नहीं मिलने वाली, आपको लंच, ये हमारा थोड़ा सा तो ब्रंच जैसा हो जाता था, लंच का कोई हमारे वहाँ पर कोई उसका कोई व्याख्या नहीं होती थी, हम सीधा डिनर करते थे, उसमें भी हमारे पास कोई ऐसे एक्सपर्ट कुक नहीं थे, सब लोग बनने वाले थे, सब लोग एक अलग प्रयोग करने वाले थे, तो हम लोग ये अलग लेबोरेटरी में थे, हम लोग एक गिनी पिग कह सकते हो कि हम वो खुद ही साइंटिस्ट से खुद ही उसके ऑब्जेक्ट भी थे, हमारे गिनी पिग थे, तो हमें उसमें मैनेज करना था, तो बहुत टफ था, बट दिमाग के अंदर जब डाल दिया गया बिग बॉस के घर में, कितने दिन तक हो वो नहीं पता था, बट आप हो तो जैसे हो उसमें आपको ये सारी की सारी दिक्कतों का सामना करके रहने का है, तो हमारे दिमाग में था, नॉट ओनली इन माय माइंड बट जो भी कंटेस्टेंट है कि, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें हम लोग करते थे, हम लोग किचन में हम लोग काफ़ी टाइम बिताते थे, हम लोग वर्कआउट में काफ़ी टाइम बिताते थे, हम लोग कुछ ना कुछ साफ सफाई में हम लोग टाइम बिताते थे हमारा, और इस तरह से हम लोग वहाँ पर रह रहे थे, माने सारे ऑड्स को हम लोग पार करके कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। शो की बात करें तो अरविंद, कौन खेल रहा है सबसे बुरा वाला गेम? बुरा वाला इन मीन्स माने उसको खेलना नहीं आता या फिर बहुत गंदे से खेलना? नहीं, एकदम माइंड गेम टाइप्स। देखिए ऐसा है कि वहाँ पर हमारे 4 से 5 लोग हैं जिनको ये गेम जीतनी है, कि इसमें उनको अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं, जैसे हमारा प्रिंस भाई है वो उसको फाइनल, ताकि वो अपने आप को रियलिटी कहेंगे, वो तो वैसे भी अब स्प्लिट्स मिला है या उसने मिस्टर पंजाब किया था, उसके पहले रोडीज किया था, तो उनका काफ़ी एग्रेसिव है और जज्बा है उसमें जीत का, तो वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए उसको जो कुछ करना पड़ा तो वो करेगा आगे जाकर,
अमन भाई है काफ़ी कैलकुलेटिव, बहुत ही वो क्या ना कछुए वाली चाल है उनकी, धीरे 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 वो आगे बढ़ते रहेंगे सोच समझ के, माने दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। सुयेश को भी जीतना है अपनी एक आइडेंटिटी अलग से बनाने के लिए, बट समहाउ वो जितने पास से फेंक रहा है पता नहीं वो नहीं प्रॉपरली हो रहा, बट वो इमोशनल गाय है काफ़ी अच्छा, वैसे अच्छा लड़का है बट किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी से आ सकता है। अच्छा, जो अब टास्क हुआ था वीकली लग्जरी बजट टास्क हुआ था, उसमें बोला गया कि सुयेश अपना 100% नहीं दे पाए, आप अग्री करते हैं? अग्री करता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि उसका ड्रॉबैक क्या है, उसको पता था कि भाई इतने लोग उनके सामने आएंगे, उसको पता था कि भाई उसको अपनी गलती का एहसास था कि भाई वो ठीक नहीं हुआ था। उसने तब तक कोई भी टास्क ठीक से यानी करा नहीं था, जो उसके कपड़े वापस देने वाले थे उसमें भी उन्होंने ब्लंडर किया, ये एक चीज थी कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही थी। ओके, कीश्वर ने जो डिसीजन लिया एज अ संचालक सुयेश की टीम को जिता के, वो कितना फेयर था अरविंद? एज अ संचालक वो फेयर बिल्कुल नहीं था, बिकॉज उसको भी पता था कि डांस हमारा बहुत अच्छा है, बिकॉज हमने दिल से डांस रात रात में 3:30 बजे उठ के किया था, मैं जागता बैठा रहा था, मैं और प्रिंस के साला गाना कहीं पे बजे अपने को पहले भागना पड़ेगा, बिकॉज हमें 6 बंदे को इकट्ठे करने थे जबकि सुयेश को सिर्फ 4 बंदे को करना था, तो और हम लोग हमारा गाना पहले बजे वो हमारे दिमाग में भी था, बिकॉज वो एंटरटेनिंग हो सकता है दर्शकों के लिए, तो हमें पता था कि ये होना चाहिए, और उसमें उन्होंने सिंपल सा रूल बताया था कि भाई इसमें एंटरटेनिंग होना चाहिए और ये गेम जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, माने वो स्पेसिफाइड नहीं किया था कि आप रूल ब्रेक नहीं कर सकते, वहाँ पर रूल ब्रेक हुआ था कि 3 लोगों ने माइक नहीं पहना था, बट हमें बोलना नहीं था वहाँ पे, माने वो रूल हम लोग ब्रेक कर सकते थे, वो लिबर्टी हमें टास्क में समझनी चाहिए थी, तो माने उसने ऑफकोर्स वो चीज़ करी थी और वो पहले से करती हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे वन, की हमेशा सुयेश अकेला कभी होता नहीं है, वो कहीं पे भी हो वो बीच में आके वो ऑलवेज एक अलग से एक साया बन जाती है ऑलवेज, तो वो नेचुरल भी है बिकॉज उसका वो उसकी वो गर्लफ्रेंड है, तो उसका वो रहना लाजमी है एज अ पर्सन कह सकता हूँ, बट एज अ जब वो एक्ट कर रही है एज अ कैप्टन, वो एक्ट कर रही है एज अ संचालक, वहाँ पर वो चीज़ उसके ही अगेंस्ट चली गई, मैंने उनको ये चीज़ बताई थी कि आप ये मत करो, ये सुयेश के अगेंस्ट जाएगी, मैंने उनको एक ही वाक्य बोला था कि आप जो कर रहे हो आप संचालक के हिसाब करो, उसको अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बट वो सोचती नहीं है, वो सीधा दिल से करती है जो कुछ करती है, अगर हेट करती है तो दिल से करती है, प्यार करती है तो दिल से करती है। ठीक है, अब अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको चांस मिले अरविंद तो क्या करेंगे? देखिए, वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर मुझे चांस मिला तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं, पहले मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मैंने एक ही चीज़ बताई थी, बी ओरिजिनल, मैंने कोई चीज़ मुझे उसमें दिमाग में नहीं डालनी थी, मुझे ओरिजिनल रहना था और मैं अपने आप को वैसा ही रखता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, अगर मेरे पे हंसते हैं तो उनको खुशी मिलती है तो हंसेंगे भी सब, अगर मेरे गानों से वो एंटरटेन होते हैं तो वो चीज़ होगी, बट अभी मेरे दिमाग में है कि एक ये गेम है और मुझे पता है कि इतने समय के बाद मुझे बाहर आना है और मेरे पास कोई चीज़ दिमाग में है, तब तक मैंने काफ़ी को लोगों को स्टडी किया हुआ, अभी जाना भी है, जो ये मेरा 3 वीक गया फिर भी मैं लोगों को इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाया, बट काफ़ी लोगों को जान पाया, उसे सब जब मैं बाहर आया तब के सबके आँखों में आंसू थे, तो मुझे वो अच्छा लगा कि मैंने भले टाइटल जीता हो या न जीता हो बट मेरा जो नेचर है मैं दिल जीतता हूँ और वो मैंने किया है। बिग बॉस 9 की ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहेंगे अरविंद? बिग बॉस 9 की ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहेंगे? देखिए, आपको लगेगा कि मेरे जो किसके हाथ में, कौन अभी अच्छा खेल रहा है उस पर नहीं जा रहा, किसके हाथ में हो तो ये अच्छा होगा, मैं फ्रेंकली बताऊं कि ये ट्रॉफी अगर कीत के हाथ में हो तो सही में एक वाइज डिसीजन होगा। अरविंद, ऑल द बेस्ट आपको। कैमरामैन संजय के साथ अक्षय अगबानी, टेली बाइट्स, मुंबई।